ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰਟ ਸੌਂਗ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਦੀਪ ਛੇੜ ਕੇ ਤੰਦ ਕੱਤ ਦੀ ਹੁਲਾਰੇ ਕਾਵਾਂ ਬੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मैंने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा आगा। और बाप के बाद खुद ही है सबसे बचना मैं नागन डांस नचना मैं नागन डांस नचना। सलमान अरशद साहब हमारे साथ हैं जो खुद भी एक बड़े तमीज़दार होस्ट हैं यानी कि हम चारों के साथ इनका बनता नहीं है बैठना लेकिन हैं हमारे साथ। वैसे भी ये नीच एंड क्लीन फैमिली है ये। अच्छा फिर क्या आप इन लोगों के साथ कैसे फंसे? मैं मेरी मतलब उस्ताद जी जानी भाई के साथ तो बहुत लंबा एक कनेक्शन है पुराना कनेक्शन। बात कर रही हूँ द गाय दैट यू नो इज जानी बट वी नो इज सज्जाद जानी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी आपको बुलाया तो आपने कहा भी मैं तो ठीक है आ जाऊंगा लेकिन मैं अपनी टीम के बगैर नहीं आऊंगा तो ये ऐसा क्या माँ हेलो टीम चेक करो मुझे पता ही नहीं इतनी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ ही नहीं वो हेलो सर्दियां दवाइयां साडे कोल होंदियां ना भूल जांदे ने मेनू पता नहीं लगदा किस टाइम केड़ी खानी। अच्छा माशाल्लाह चलिए ठीक है इनको क्या हो रहा है किनको फैसल रामे हमारे साथ हैं जो बेहतरीन तो नहीं कहूँगी लेकिन एक्टर ज़रूर हैं और कॉमेडियन भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी आपी जी मैं हूँ फैसल रामे जी बड़े क्यूट हैं। थैंक यू आपी। बिल्कुल और वैसे भी आपका मेरे मियाँ वाला नाम है तो ज़्यादा ही गुस्सा चढ़ रहा है आप पे और आपके साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो अभी सोच रहे हैं कि वो किस किस्म का वन लाइनर हमारी डायरेक्शन में फेंके दवाइयों के अलावा। तो फरीद साबरी साहब हमारे साथ हैं बेहतरीन एक्टर और कॉमेडियन अब वो भी हम देखेंगे वक्त के साथ के कितने को बेहतरीन अभी जी मैं पढ़ाया भी हैं मैट्रिक मैंने किया हुआ है
किया तो बहुत से लोगों ने, मैं पास हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं पास हो गया। कितने नंबरों से? 314 थे या 327। ब्लैक नॉलेज की है ना जी, ब्लैक नॉलेज की है। काला इलम, ब्लैक नॉलेज, काला इलम जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और एक बहुत ही सोबर और शरीफ से इंसान भी हमारे साथ है, जो पता नहीं इस टीम का क्यों हिस्सा है, लेकिन मैं पूछूंगी इनसे। सलमान अरशद साहब हमारे साथ है, जो खुद भी एक बड़े तमीज़दार होस्ट हैं। यानी कि हम चारों के साथ इनका बनता नहीं है बैठना, लेकिन हैं हमारे साथ। दो तीन दिन पहले शादी भी हुई है इसकी। आई एम सो सॉरी। अफसोस भी कर लेना। हमें बहुत दुख हुआ। जवान मां दा पुत्र व्याया गया। तीन दिन पहले शादी हुई, जवान ही था बेचारा। बेचारा था, फिर क्या हुआ? बस पता ही नहीं चला। रात को अच्छा भला मेरे पास से उठ के गया। अच्छा, और सुबह पता चला बारात है। ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अभी तक आप ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह। नहीं, मैं शादी की बात करी, वैसे तो आप ठीक हैं जी। जी ठीक है। अभी नहीं ना चला, अभी तो दो दिन हुए ना। अच्छा अच्छा, अभी तो इनको यानी कि दो हफ्ते बाद फिर बुलाना चाहिए। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। ये अंजाम नहीं, अंजाम क्या होगा? अंजाम ही होता है ना, देखो शादी ही तो अंजाम होती है शादी के बाद। अरे ये जो इनके वालदैन है, वालदैन जड़े ना दे, उनका अंजाम ही है। देखो बुरा है, चंगा अंजाम है कोई? हुसन की बात है ना, हुसन जो है वो देख लें। आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं, हम डिफरेंट हैं हम लोग। आप ही बेसिक तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने आपको कहा भी था कि आप मुझे अकेले बुला लेते हैं। उन्होंने कहा था आपको बुला। नहीं नहीं, वो सदके के लिए कह रहे हैं। आप सदका देना था ना, तो वो अकेले बुला लेते ना इनको। अकेला देने वो, हम आपको इंशाल्लाह कुर्बान करके लोगों को बांट देंगे। उस्ताद जी नहीं, मुझे ये देखिए, मेरे शो में बहुत से डॉक्टर्स आते हैं जी, तो अक्सर जो इनके शक्ल के जाविये बन रहे होते हैं, मुझे लगता है कि अब कौन से वाले को फोन करें, मैसेज करें, फोन साथ रखा हुआ होता है। डंगर डॉक्टर, डंगर डॉक्टर। कौन सा डंगर डॉक्टर? नहीं, ये लंगर डॉक्टर। नहीं, ये लंगर डॉक्टर ही है। तो जी सॉरी, अभी मैंने छोटी सी बात करनी थी उस्ताद जी। यार जो ये दुनिया होती है ना मीडिया की, शोज की, इनमें एक पॉज नाम की भी चीज होती है। सॉरी उस्ताद, आई क्विट। वो देखा ना, उसमें उस पॉज में भी आई क्विट कह दिया। अब ले जी, अब आराम से बात करें। अब ये 6-7 सेकंड नहीं बोलेंगे। 20 साल स्टेज पे काम किया है। लेकिन गंदा काम इतना गंदा? गंदा तो बहुत साफ लफ्ज है, महा गंदा कह रहे हैं। वैसे साहब क्या प्रॉब्लम है आपको? आप ही मेरी तरफ देख के लगता है आपको कि मैं ऐसा करूंगा कुछ? जी जी, जी, जी। नहीं नहीं, मैंने कभी भी नहीं ऐसा नहीं, मैं कह रही थी जानी जी। नहीं, अभी जब तुमने उनसे पूछा कि आपको लगता है, उन्होंने कहा जी, तो फिर आगे शर्मिंदा हो बस अगली बात को कर रहे हैं। सवाल पूछना नहीं है। हाँ। क्योंकि उसका जवाब जी भी हो सकता है। अरे आप अच्छा जुगन जुगन जी हैं आप। नहीं, वो ही है ना, जैसे जानी जी हैं, जुगन जी, बीच में फैसल जी का क्या होगा वो एक और सही बात है। तो आपकी दुख भरी कहानी कहाँ से शुरू हुई? शादी से, जब शादी हुई मेरी। अभी मैं जब स्विट्जरलैंड में था ना, मैं बचपन से मुझे याद है, तो वहाँ से ही मुझे शौक हुआ कि मैं मंगया करा गली गली दे। स्विट्जरलैंड में नहीं ना था वहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे आ गया। नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री बेसिक तौर पे, मैं बेसिक मैं मिस्र से हूँ, मेरा ताल्लुक जो है। अच्छा ठीक है, उसके मिस्र चावल। अच्छा, अभी असल बात हो रही है कि फड़ी मार रहे हैं। मिस्र चावल नहीं होते, मिस्र चावल वो वहाँ से। फिर माइग्रेट हुए। जब से मुझे ये एक्टिंग का शौक है, बज़्म-ए अदब होता था स्कूल में जी, जी, जो मैं रात को माँ बाप का अदब नहीं किया था, बज़्म-ए अदब। ये कोई गल है सर साहब जी, ये इंटरप्शन कर रहा है, सॉरी सर। ये देखे ना आप, ओके ओके, देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। नहीं, अब वो अपनी स्टोरी जब सुनाएगा ना, तो आपने भी ठीक है। तो माशाल्लाह मुझे तीन जबानों पर अबूर हासिल है। केड़ी केड़ी? उर्दू, पंजाबी, सराइकी। ठीक है। अच्छा, सराइकी भी बोल लेते हैं? हाँ, हम नहीं नहीं, सिर्फ अबूर हासिल है, बोलता नहीं। और वैसे भी ये नीच एंड क्लीन फैमिली है ये। अच्छा, फिर क्या कुछ बताने देना कहानी? यार फैमिली को बात ना कर यार, फ्री में बता रहा हूँ ना सर, क्या करें। कितने बैठा हुआ यार, आपी जुगनी ना बैठा तू? फिर जुगनी नहीं, आपी जुगनी, मेरे यहाँ जुगनी कहनी है। यहाँ पे जुगनबाजी ना करें। मेरा फैसल भाई कहना है कि कहना है अभी मैं। ये भी इसी तरह से एक आइटम निकला। हाँ, ये भी ऐसा ही था। ये तो बिल्कुल पहले जब मेरे शो में आया, तो इसके ट्रेलीज बहुत ज्यादा इसको आ रही थी। व्हाट मींस द ट्रेलीज? ट्रेलीज यानी वो लाइक वाटर, स्किन आउट वाटर, पसीना। यस, जुल्फों वाली। हां जी, वो तो इसी की वजह तो आंडे है सानू। हां जी, तो ये फिर अच्छा, फिर ऐसा था कि जो जो उनमें मुझे लगता था ना कि ये अच्छे हैं, टैलेंटेड है,
उनको फिर मैं अपने साथ अपनी टीम का टीम का हाँ ऐसा आपका बट आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई फरीद? मेरी मेरी असल में मैं सऊदीया में था, स्टाइल चेक करो तुम सारी को, वो स्विट्जरलैंड में था, वो सऊदी में था, फिर वो दमास्कस में। तुसी यह चेक करो कि वो इंज बैठा वा ते ओ तुसी इना पुछया कि कहाँ से शुरू हुई, तो नाल ही इंज करके ना इंज जी मेरी मैनू इन्हों ने ग्राज कहा इंज करी उत्थे इंज, तो मैं उदा ही करन दिया। असल में मैं जब वहाँ पे था सऊदीया में, मैं काफी देर रहा सऊदी अरब में, थे लोग आके साथ साथ कैंकर मारते थे। अब ये किया था ना इसके साथ अब बदला नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, एक्चुअली मेरी फैमिली वहाँ पे सारी शिफ्टेड थी, तो हम वैसे बेसिकली हम बहुत बड़े लोग थे, तो यहाँ पे आके अच्छा मैं वैसे ना सजाद जानी साहब मरले का घर है 18 हिस्से ने विच ए बड़ी फैमिली, ए फैमिली बड़ी कह रहा है कितना पोर्शन क्या निकलेगा, चार ईंटे इधर दो ईंटे इधर। अच्छा फिर बारिश जो पवे ना आंडा तोड़ के ना उते इंज पा देंगे, बारिश रुक जाती। नहीं मेरी बात सुने, इनको क्या पता, अभी आप बताएं कि ढाई मरले के मकान में स्विमिंग पूल हो सकता है भला? मेरे घर में वो भी है जी, गिराज वो है फिंगर स्विमिंग पूल है, उंगली डुबो के बस ओ चुलू भर पानी नहीं, वो तो बड़ा होता है, डूब मरो वो तो थोड़ा बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, उसे मैं इतनी कीती नसीब है उसकी। मेरे घर में गिराज है, अब गिराज डाइवी देखे आए, हाय तो यही समझाता रहेगा कि मेरे पास है कि नहीं है। मैं इसके घर में सऊदी से जानी एक बात जानी जी, कब कभी कंट्रोल भी कर लेते हैं जुगत, देखो ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर करो, हाँ आप बोलते रहे वो अपने आपको हिला। अच्छा मैं अच्छा सलमान साहब आपकी कहानी ना ही सुने तो बेहतर है क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे पहले कुछ सुनते हुए आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी कहानी की तरफ जाएंगे। मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच जावा, वे मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच जावा, ते लोका पाने मैं कत दी तंद तेरी आया दा दे पावा, वे मैया देखण नू चरखे दी तू कर दे ओले याद तेरी दा तुम्बा बोले, तंद कत दी हुलारे कावा, बे मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, ते लोका पाने मैं कत दी तंद तेरिया यादा दे पावा। Yeah,
ਕਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बहुत से होस्ट को गाने का शौक होता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इस सिंगर को होस्टिंग का शौक है। सलमान साहब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्या बात है, और मानने वाली बात है। मेरे प्यारे भाइयों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है, साजिद अली ने, जग्गू खान ने और शाहिद खान ने, ब्लेस यू गाइस। आप इन लोगों के साथ कैसे फंसे? मतलब उस्ताद जी जानी भाई के साथ तो बहुत लंबा एक कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बहुत ही भयानक वाकया कैसे दरपेश है? मतलब हम लोग फैसलाबाद से हैं, एक ही शहर से हैं, तो मिलते जुलते थे वहाँ पे बहुत साल पहले आज से, जब स्ट्रगल्स थी सबकी। बाप की ममता पे इसने लिखा है कुछ। सर बाप की बबता होती है, बाप की ममता पे। हमने बबता पे सुना है, ममता कितों आ गई? ममता तो मेरे अंदर है। नहीं नहीं, ममता बाप की ममता भी होती है। चले बाप की ममता, रोना नहीं। आप पता क्या, टिश्यू रख लें कि बहुत दर्दनाक ये कलाम। आप आ रहे थे, ये देखिए। हाँ बस ठीक है, बस मतलब टिश्यूओं का भरमार। बस आप ये बस रेडी रहे। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे अब्बू से है और मेरे उस्ताद जी से। जी जी, क्योंकि अब्बू मेरे को जाना नहीं। अच्छा चलो शेर सुनाओ, ऐसी हर चीज का। चलो छोटो शेर सुनाओ। चलो चलो कह रहा, कुशन के साथ कुछ ज्यादती हो रही है। जो मांगू दे दिया करे जिंदगी, वाह वाह वाह। जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। और जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते, देखा मैंने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा। आगा। और बाप के बाद खुद ही है सबसे बचना, मैं नागन डांस नचना, मैं नागन डांस नचना। माशाल्लाह जी वाह, ये लाइट किसने की है शो की? अच्छी है ये, सेट भी बहुत अच्छा लगा। क्यों बाजी? अभी मुझे बाजी कैसा? आप बंदे को थिएटर से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का थिएटर नहीं आप निकाल पाए। आप तुसी पहलियां तीन लाइनां तो अप्रिशिएट करो ना, आखिरी ते बजा तो दिया पहलियां भी ना ना बेड़ा करो। कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा पे नहीं गौर कर रही आप, और बीच में नागन डांस। एक लाइन आपने पकड़, वो तो अबू नागन डांस। अबू काफिया, काफिया रदीफ है, कदीफ राफिया होगा। कदीफ राफिया, कदीफ राफिया। आप कुछ सुना दें। जी जी, मैं तो एक्चुअली है ही मेरा सीरियस शायरी से ताल्लुक। अच्छा तुसी अपनी लो इधरों उधर इस तो गए जे कि कुछ ठीक सुनोगे? सुनो सुनो। सर नहीं, मैं तो बिल्कुल जैनून। ऐ सुनना जरा हुन। मैंने तो लिखा है कि जे तू छड़ के जाना ही सजना। वाह, जे तू छड़ के जाना ही सजना। इसमें वाह करने वाली क्या बात है, अभी तो समझ नहीं आई बात की। जी बॉस, ये वो मुरवतन कह रहे हैं ना कि जे तू छड़ के जाना ही सजना, पंप भी बंद कर दे। पंप भी बंद कर जी। अच्छा ओके। ते लम्मे वाल ने टिंड वर्गे। अच्छा। लम्मे वाल ने टिंड वर्गे, आखी मेरे माये नू दो बतकां ले आ। मेरे अल की वेखन दे। बॉस कोई तो कनेक्शन होती है। नहीं अभी ये बात। अभी और होनी है बात। जी जी अभी और। मैं आपको करें फिर। ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਪੀਂਗਾ। ਓਕੇ ਵਾਹ। ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਪੀਂਗਾ, ਛੋਟੀ ਕੋਹਣੀ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਫੜ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰੀ ਚੈਨ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ ਮਾਈਆ ਛੱਡ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਾਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜਿਆਂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੈਨਕਸ਼ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਕਾਂਟੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ, ਬੱਸ ਕਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸ਼ਾਇਰੀ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਇਟਰੀ। उर्दू, उर्दू आपने कभी सुना नहीं ना ऐसे? देखा ये बात है उर्दू का भी। सर उर्दू का भी ये तो आप इससे कल इस वक्त तक सुनती रहे, मेरा इसका गला घोटने को दिल चाह रहे हैं। दुपट्टा का सत्ता पड़ोड़ी। लो सर जी, वो दूसरा भी एक शेर मैंने। नहीं 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 नहीं, अभी ये सीरियस है। अच्छा ओके, ये सीरियस। मुझको क्या मालूम कि बादशाह कैसा होता है,
अच्छा, मुझको क्या मालूम कि बादशाह कैसा होता है, सच कहूं तो मेरे बाबा जैसा होता है। इतने तक ठीक सी? ठीक है, आगे रुक जाओ। नहीं ऐसी नहीं, नहीं, अच्छा, अच्छा। बस इतना ही। मुझको क्या मालूम कि बादशाह कैसा होता है, सच कहूं तो मेरे बाबा जैसा होता है। अगर हो कोई मुझसे काम तो फौरन मुझको दसना, मैं नागन डांस नचूंगा।